पहला प्रश्न है कि पिछले प्रवचन में आपने कहा था कि हम सभी जयराम भाई कंसारा में स्वयं को देखें, हम भी कांसा खूट रहे हैं, लेकिन नौकरी तो करनी पड़ेगी और जब फिर नौकरी करने जाते हैं तो संसार पकड़ लेता है, क्या करें? क्या गृहस्थी को भी परमात्मा मिल सकता है? ये प्रश्न बड़ा व्यवहारिक है। अक्सर लोग पूछते हैं परम धाम में कितने खंबे आए हैं, कितनी रांग आई है, या भोग से पहले स्वरूप को पढ़ा जाए या स्वरूप के बाद परिक्रमा को पढ़ा जाए। इस तरह के प्रश्न व्यवहारिक हैं और मेरा ये मानना है कि इन प्रश्नों पर ज्यादा चिंतन होना चाहिए। हकीकत और मारिफत की बातें हैं सागर के शिखर के समान, जैसे मेरू की स्वर्ण मंडित चमचमाती हुई चोटियां और हम खड़े हैं गहरी संकीर्ण घाटियों के अंदर। यहां से पहला कदम कैसे बढ़ाया जाए ताकि उस शिखर तक पहुंच सके, इस तरह के प्रश्नों पर चिंतन वही प्रकाश पैदा करते हैं कि हम अपनी अध्यात्म की यात्रा को कैसे आरंभ करें। प्रश्न है कि कांसा तो कूटना पड़ेगा, नौकरी तो करनी पड़ेगी। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ये शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें, ये बड़ी बड़ी आध्यात्मिक चर्चा, ये बड़े बड़े उदाहरण, ये दृष्टांत, ये संबोधन, लेकिन इनसे रोटी तो नहीं बनाई जा सकती, ना ही इससे कपड़ा बुना जा सकता है और ना ही इससे छप्पर डाला जा सकता है। हमारे पास जो देह है, हमारा जो शरीर है, इसको खाने के लिए भोजन चाहिए, इसको पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, और जैसे एक पक्षी उड़ता है आकाश में दिन भर, सांझ को लौट आता है अपने घोंसले में आराम करने के लिए, उसी प्रकार से इस देह को भी आराम के लिए एक घर चाहिए, एक छप्पर चाहिए। शास्त्र की इन बातों से, अध्यात्म की इन बातों से रोटी नहीं बनाई जा सकती और ना ही इससे कपड़ा बुना जा सकता है और ना ही इससे घर बनाया जा सकता है। और फिर ये देह है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हमेशा स्वस्थ नहीं रहती, धीरे धीरे शरीर बीमार पड़ने लगता है, बीमारियां घेर लेती हैं, और एक दिन अस्पतालों के चक्कर, दवाइयों का ढेर, और इन सब बातों के लिए चाहिए धन, धन के लिए चाहिए नौकरी, नौकरी कोई व्यवसाय कुछ भी, लेकिन जब धन कमाने जाते हैं संसार में, जब व्यवसाय करने जाते हैं तो संसार पकड़ लेता है। इस बात को हम ठीक से समझें, मैं यही स्पष्ट कर दूं कि संसार हमें नहीं पकड़ता, हम संसार को पकड़ते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है जिससे मेरी बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि दो फकीर एक बार एक नदी पर स्नान करने के लिए उतरे। पहला फकीर नदी में उतर गया, ठंड का मौसम था, चारों तरफ धुंध थी, ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता था। उस फकीर ने देखा कि जल में दूर से एक काला कंबल बहता आ रहा था। काला कंबल था, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई रीछ पानी में तैरता हुआ आ रहा है। महात्मा को बहुत घबराहट हुई और जैसे ही वो कंबल महात्मा के पास पहुंचा, महात्मा जी अपने हाथ पांव फड़फड़ाने लगे और आनंद फानंद में उस कंबल को पकड़ लिया। महात्मा को लगा कि जैसे रीछ ने मुझे पकड़ लिया है। अब वो महात्मा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि मुझे रीछ ने पकड़ा, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। दूसरा महात्मा जो नदी से बाहर खड़ा है, वो पहले महात्मा से कहते हैं कि रीछ तो है ही नहीं, है तो केवल एक काला कंबल, और कंबल ने भी तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने कंबल को पकड़ा है। लेकिन जो डूब रहा है, जो पानी में है, जिसने कंबल को पकड़ा है, उसको ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे एक रीछ है और रीछ ने मुझे पकड़ रखा है। उन्होंने महात्मा की एक ना सुनी, हाथ पांव फड़फड़ाते रहे और उस कंबल को रीछ समझकर
ऐसा समझकर कि इसने मुझे पकड़ रखा है, नदी में बह गए। जो मोहजल से बाहर खड़ा है, जो जल से बाहर है, वो जानता है, वो समझता है कि ये जो काला प्रतीत होता है ये रीछ भी नहीं, ये काला कंबल है, और इसने पकड़ा ही नहीं, ये पकड़ ही नहीं सकता। जो जल में है, जो जल में तड़प रहा है, उसी ने ही पकड़ा है कंबल को, लेकिन जो जल के भीतर है उसे ये बात समझ में नहीं आती। उसी तरह से हमें प्रतीत होता है कि संसार ने हमें पकड़ा है, कंबल ने हमें पकड़ा है, लेकिन होता है इसका उल्टा, हम संसार को पकड़ते हैं। आपने देखा है कि पूस की रात हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, पाला पड़ रहा हो, जनवरी और फरवरी का महीना हो, कोई सुबह कहे 4 बजे उठने के लिए, कितना कठिन प्रतीत होता है। हम कहते हैं कि कंबल ने हमें पकड़ लिया, रजाई ने हमें पकड़ लिया, बिस्तर ने हमें पकड़ लिया, लेकिन क्या कभी रजाई हमें पकड़ती है? क्या कभी कंबल हमें पकड़ता है? क्या कभी बिस्तर हमें पकड़ता है? कंबल पकड़ ही नहीं सकता, रजाई पकड़ ही नहीं सकती। हम पकड़ते हैं रजाई को, हम पकड़ते हैं बिस्तर को, हम पकड़ते हैं कंबल को। कभी राह चलते, कभी आपकी किसी पत्थर से आपने ठोकर खाई हो, हमें लगता है कि पत्थर ने ठोकर मारी। पत्थर तो तटस्थ है, पत्थर तो कुटस्थ है, पत्थर कभी भी ये नहीं सोचता कि सामने से एक राहगीर आ रहा है, अब मैं जाऊं उसके रास्ते में बैठूं और जैसे ही उसका पांव पड़े ठीक उसके पांव पर लगूं और उसे ठोकर मिलेगी। पत्थर तो तटस्थ है, पत्थर कुटस्थ है, पत्थर को कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन जब हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जब हमारा ध्यान भटकता है, तब हमें चोट लगती है। तो उसी तरह से संसार हमें नहीं पकड़ता, हम संसार को पकड़ते हैं। धन हमें नहीं पकड़ता, हम धन को पकड़ लेते हैं। घर हमें नहीं पकड़ता, हम घर को पकड़ लेते हैं। सगे संबंधी हमें नहीं पकड़ते, हम सगे संबंधियों को पकड़ लेते हैं। हमें लगता है कि पैसे ने हमें पकड़ लिया, माया ने हमें पकड़ लिया, धन नहीं पकड़ सकता। और इस पकड़ का कारण क्या है? इस पकड़ का कारण है लगाव। जहां भी हमने मन का लगाव डाला, जिससे भी हमने प्रीति बांध ली, जिससे भी हमने अपने धागे जोड़ लिए, जहां हमारे मन का लगाव अटका, वही बंधन शुरू हो गया। और हमें प्रतीत होता है कि जैसे उसने हमारे पांव में बेड़ियां डाल दी। धन हमें नहीं पकड़ता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जानते हैं इस युद्ध के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए। 3 लाख करोड़ कितनी बड़ी धनराशि है। लेकिन इस बात को सुनकर के आपको क्या फर्क पड़ता है? हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। धन तो गया, क्योंकि वो हमारा नहीं था, हमारा उसके साथ लगाव नहीं है। हमारा यदि 100 रुपया भी खो जाए तो हमें चिंता होती है। क्यों? क्योंकि जहां लगाव है वहीं बंधन है, वहीं पांव में बेड़ियां पड़ जाती हैं। आपने कभी देखा है कि हम एक होटल में ठहरते हैं, बहुत सुंदर कमरा होगा, 5-स्टार होटल होगा, 7-स्टार होटल होगा, लेकिन सुबह 11 बजे हमारा चेकआउट होता है, हम चुप करके अपना सामान बांधते हैं और वहां से निकल जाते हैं। क्या हम बार बार मुड़ मुड़ करके उस घर को देखते हैं? क्या उस होटल के कमरे को देखते हैं? क्या वहां पर बैठ करके कोई रोना धोना मचाते हैं? नहीं। लेकिन यही अगर हमारे घर पर 11 बजे यम का दूत आ जाए और कहे कि बस अब हो गया इस संसार में जितना रहना था, बस इतने दिन की बुकिंग थी, आज ही 11 बजे इस घर से चेकआउट है, तो क्या इतनी ही तल्लीनता के साथ हम अपने घर को छोड़ पाएंगे? जैसे होटल में हम बांध लेते हैं पेटी, 5 मिनट के अंदर चलने को तैयार, मुड़कर के पीछे भी नहीं देखते। लेकिन जिस घर में आप इस समय बैठे हो, यदि इस घर में यम का दूत आकर के कहे कि करो अब 11 बजे यहां से चेकआउट, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमने लगाव बांध लिया।
और जहां लगाव बांधा वहीं बंधन बन गया, वहीं पांव में बेड़ियां पड़ गई। आप एक ट्रेन में यात्रा करते हो, हवाई जहाज में यात्रा करते हो, बस में यात्रा करते हो, कई लोग हमसे मिलते हैं, आपस में हमारा व्यवहार होता है, सबसे हमारी बातचीत होती है, लेकिन जैसे ही हमारा स्टेशन आता है, जैसे ही हमारा गंतव्य स्थान आता है, हम चुपचाप उतर जाते हैं। क्या हम उतरने से पहले अपने साथ चलने वाले यात्रियों से कुछ रोना धोना मचाते हैं? क्या हम कहते हैं किसी से कि अब आपके बगैर नहीं जी पाएंगे? नहीं, जैसे ही हमारा गंतव्य स्थान आता है हम तुरंत उतर जाते हैं। लेकिन जीवन की इस यात्रा में जो हमारे सगे संबंधी हैं, अगर हमें इस संसार से एक दिन छोड़ करके जाना पड़े तो क्या इसी भांति हम इस संसार से जा पाएंगे जैसे हम एक ट्रेन से उतरते हैं? बड़ा कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां लगाव नहीं और यहां लगाव है। जहां लगाव है, जहां मैं और मेरे की भावना है, वहीं बंधन पड़ जाता है। हम बांधते हैं अपने पांव में बेड़ियां इस मैं और मेरे से। जन्म से एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं इसका। और धीरे 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 बंधन इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं कि एक दिन छूटना मुश्किल हो जाता। आपने देखा है एक मकड़ी को, एक मकड़ी जाला बुनती है, जाला कहीं बाहर से नहीं आता, उस जाले को मकड़ी खुद ही बुनती है, जाला मकड़ी के मुख से ही निकलता है, चारों तरफ मकड़ी अपना जाल फैलाती है, लेकिन एक दिन उसी जाल में फंस जाती है और अपने प्राण त्याग देती। उसी तरह से ये जो जाल हमने फैलाया है संसार के अंदर, ये भी हम खुद फैलाते हैं। वाणी कहती है कि सोरे बरस रे जटा बधानी, कि 100 साल तक यदि कोई जटा बधाए, 100 साल तक जिसने अपने बालों में कंघी ना की तो जटाएं पड़ जाती हैं, और अंत समय में यदि कोई ले बैठा कांकसी माहे, कोई हाथ में कंघी लेकर के बैठे उन्हें सुलझाने के लिए, क्या सुलझाया जा सकता है? नहीं सुलझाया जा सकता। उसी प्रकार से हम खुद बांधते हैं संसार में बंधन, हम खुद बनाते हैं रिश्ते नाते, सबसे प्रीति जोड़ लेते हैं, हमें लगता है कि ये घर मेरा है, हमें लगता है कि ये संसार मेरा है, हमें लगता है कि ये रिश्ते नाते मेरे हैं, और दिन रात उसे दोहराते जाते हैं, दोहराते जाते हैं, धीरे धीरे बंधन पड़ने लगता है, और एक दिन हम उस अपने ही बनाए हुए मकड़ जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि संसार ने हमें फंसा लिया। संसार हमें नहीं फंसाता, संसार तो तटस्थ है, संसार तो कूटस्थ है, हम फंसते हैं संसार के अंदर। आगे पूछा है कि क्या एक गृहस्थ व्यक्ति भी परमात्मा को पा सकता है? यहां जितने भी लोग बैठे हैं सभी गृहस्थ हैं। जब भी हम ये विचार करते हैं कि किसने परमात्मा को पाया है, हमारे सामने एक ऐसा प्रतिबिंब, हमारे सामने एक ऐसा दृश्य आता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति जंगल में बैठा है, दिन रात साधनाएं कर रहा है, जिसने संसार को पूरी तरह से त्याग दिया, और ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा को पाने का अधिकारी बन सकता है। शंकराचार्य ने जब संन्यास मत का स्थापना की तो शंकराचार्य ने डिमडिम घोष के साथ इस बात को कहा कि संन्यास के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती, यदि मुक्ति चाहिए तो संन्यास लेना पड़ेगा। लेकिन सृजी ने जो संसार को दर्शन दिया है, सृजी ने जो संसार को बात कही है, सृजी कहते हैं कि 100 माला वाओ गले में द्वादश करो 10 बेर, कि भले ही कोई गले में 100 मालाएं डाल ले, 100 बार द्वादशी के व्रत करे, कोई अपने बालों को बढ़ाए, कोई बालों को बढ़ाए, कोई उपवास करे, कोई उत्सव कूट करे, ये सारी की सारी बातें देह से हैं, ये सारी की सारी बातें बाह्य कर्म कांड है। सृजी ने संसार को जो मंत्र दिया है, सृजी कहते हैं कि ये मनवे की बाजी, बाजी में मनवा, कि ये सारा संसार, ये सारा खेल ही मन का है। और सृजी ने इस बात पर जोर दिया कि मनवा दिए बिन हाथ न आवे सत की बड़ी ठकुराई, कि यदि सत्य को पाना है तो मन देना पड़ेगा,
संसार आज तक संसार परमात्मा को तन से अपनी साधनाएं सीमित करता रहा। श्री जी ने संसार को कहा कि मनवा दिए बिन हाथ न आवे सत की बड़ी ठकुराई, कि यदि परमात्मा को पाना है, यदि सत्य को पाना है तो अपने मन को परमात्मा को अर्पित करना पड़ेगा। आपने देखा है देवचंद्र जी का जीवन, 16 बरस की उम्र में घर से निकलते हैं। हरिदास जी कहते हैं कि घर वापस लौट जाओ, घर वापस आ जाते हैं। पिता कहते हैं कि विवाह कर लो तो विवाह हो जाता है। घर में रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, दो संतान भी होती हैं। संसार के लोग देवचंद्र जी को कहेंगे तो कहेंगे कि ये हमारी तरह एक गृहस्थ ही तो है, इसका भी घर है, इसके भी माता पिता हैं, इसके भी संतान हैं। लेकिन देवचंद्र जी का जीवन क्या है कि लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, ओ खेले प्रेमे पार पिया सो देखन को तन सागर माए। कि देवचंद्र जी का बस तन भर है इस संसार के अंदर, एक तन रहता है माता पिता के साथ, लेकिन खेले प्रेमे पार पियासो उनकी जो अंतरात्मा है वो दिन रात प्रियतम के साथ विहार करती है। लालदा जी का उदाहरण मैं कई बार देता हूं, जहां पर आज गुंबट जी है, कभी यहां पर एक छप्पर से बना हुआ स्थान था जहां पर श्री जी बैठते थे, वहीं कहीं आसपास एक छप्पर के नीचे लालदा जी भी बैठते थे। 5000 सुंदर साथ के हिसाब किताब, उनका लेखा जोखा, सारे बही खाते लालदा जी के पास हैं। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, 5000 लोगों का भोजन, उनका कपड़ा, उनकी दवाई, उनका राशन, 36 विभाग बनाए हैं। लालदा जी बैठ करके सुबह से लेकर के रात तक सबको देखते हैं। लालदा जी को कोई जीव सृष्टि देखती होगी तो सोचते होंगे कि ये कोई परमहंस है, ये तो कोई सेठ है जो बैठ करके दिन रात बही खातों का हिसाब करते हैं। लेकिन लालदा जी का जीवन क्या है, लालदा जी है एक कमल का फूल, एक लाल कमल का फूल जैसे खिला है। वाणी कहती है कि जल में रहिए कोरे रहिए, कीजिए अंतर में पास। लालदा जी भी कोरे हैं, जल में हैं, सभी को संभाल रहे हैं, सारे बही खातों को देख रहे हैं, लेकिन कोरे के कोरे। महाराजा छत्रसाल जी का जीवन ज्वलंत उदाहरण, एक गृहस्थ में रहकर भी कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है। छत्रसाल जी के बारे में तो कहा जाता है कि इत यमुना उत नर्मदा इत जमुना, इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौंस, छत्रसाल सो लड़न की काहू न रही होंस। कि पूरी बुंदेलखंड में जिसकी तूती बोलती है, जो कटार पर भी अपना हाथ रखता है, जो कलम पर भी अपना अधिकार रखता है, जो कला पर भी अपना अधिकार रखता है, ऐसे महाराजा छत्रसाल सिंहासन पर बैठते हैं। लेकिन सिंहासन पर बैठने के बाद भी संसार सोचता है कि एक भोगी, एक राजा सिंहासन पर बैठा है, सोने के सिंहासन पर, जिसने राजसी वेशभूषों को धारण किया है। लेकिन महाराजा छत्रसाल जी का जीवन उदाहरण है, महाराजा छत्रसाल जी का जीवन उदाहरण है कि घर में ही न्यारे रहिए कीजिए अंतर में बास। कि जो घर में रहकर भी घर से न्यारा है, जो राजमहल में रहकर भी राजमहल से दूर है, ऐसा महाराजा छत्रसाल जी का जीवन है। तो ये सभी गृहस्थ हैं, इन्होंने गृहस्थ में रहकर के परमात्मा को पाया है। हम सब लोग अपने आप को हीन न समझें कि गृहस्थ में रहकर के परमात्मा नहीं मिल सकता। मन बहुत चलाक है, आप परमात्मा को पाने निकलेंगे, अक्षरातीत को पाने निकलेंगे, ये आपके मन में एक दुविधा डाल देगा। बड़े से बड़ा सागर में चलने वाला एक जहाज हो, लेकिन यदि उसके अंदर एक छोटा सा छेद हो जाए, जहाज डूब जाता है। उसी प्रकार से यदि हम भी चलने, हम भी निकले हैं अक्षरातीत को पाने, ये मन कहीं ना कहीं से दुविधा पैदा करता है, हमारे मन में एक संशय डाल देता है कि क्या तुम्हें परमात्मा मिल सकता है। और इतना सा संशय काफी है इस महान जहाज को डुबाने के लिए। हम अपने मन में कभी संशय ना लाएं,
हम श्री जी की वाणी को हमेशा स्मरण रखें कि ये सारा संसार मन का है। हम राज्य को अपना मन देने की कला सीखें। यदि हमने अक्षरातीत को अपना मन देने की कला सीख ली, यदि हमने एक संसार में संसार से अलग होकर के रहने की कला सीख ली, यदि हमने एक कमल की तरह कीचड़ में रहने की कला सीख ली, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम संसार में रहें कि जंगल में रहें। फिर कोई आश्रम में जाए या कोई दफ्तर में जाए, फिर कोई धोती बांधे या कोई गले में टाई लटकाए, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने अपना मन देना परमात्मा को सीख लिया, वो घर में बैठे बैठे परमात्मा को पा लेता है। दूसरा प्रश्न है कि बीतक में एक प्रसंग आता है कि अब्बासी बंदर में भैरव ठक्कर को 3 दिन में परमात्मा के दर्शन हो गए, क्या ऐसा संभव है और क्या आज भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है? बीतक का प्रसंग है कि अब्बासी बंदर में सृजी आते हैं, भैरव ठक्कर के साथ में उनका वार्तालाप होता है। भैरव ठक्कर को सृजी कुछ दिन वाणी चर्चा सुनने के लिए कहते हैं और 3 दिन में भैरव ठक्कर की आत्म जागृति हो जाती है, उसे युगल स्वरूप का दर्शन हो जाता है। 3 दिन केवल चर्चा सुनने के बाद भैरव ठक्कर खड़ा होकर के कहता है कि वस्त मुझे प्राप्त हुई वस्त, कि मुझे वो मिल गया जिसकी मैं खोज में था। एक ऐसा ही उदाहरण औरंगाबाद की बीतक में भी आता है। एक सुंदर साथ है जिसका नाम है जहान मोहम्मद। वो भी सृजी से पूछते हैं कि सृजी मेरा ईमान क्यों नहीं बन रहा। सृजी कहते हैं कि तुम कुछ दिन के लिए मेरे पास आओ, कुछ 8 दिन के लिए, और एक पहर भर मुझसे चर्चा सुनो। लेकिन 8 दिन भी छोड़िए कि 3रे दिन लाया जहान मोहम्मद ईमान, 3रे दिन जो है लाल जो मोहम्मद जहान मोहम्मद है उसकी सृजी पर अटूट आस्था हो जाती। ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा सदैव नहीं होता। जिसने भी परमात्मा को पाया है बड़े यत्न से पाया है, कभी कभी संसार में ऐसा अवसर होता है। कोई कोई भाग्यशाली होता है भैरव ठक्कर जैसा, जिसके दरवाजे पर श्रीजी दस्तक देते हैं और वो अपने साथ ऐसा महान सौभाग्य लेकर के पैदा हुआ है कि 3 दिन में जो है उसे साक्षात्कार हो जाता है। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के पास जब विवेकानंद आए तो विवेकानंद ने पहला प्रश्न ही रामकृष्ण परमहंस से कहा था कि क्या मुझे आप सत्य की अनुभूति करा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपना एक हाथ विवेकानंद के माथे पर रखा और उसी एक क्षण में विवेकानंद को अनुभूति हो गई। बुद्ध के साथ भी एक ऐसी घटना है कि बुद्ध के पास एक व्यक्ति आकर के कहता है कि भंते, जो कहा नहीं जा सकता क्या आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। यह प्रश्न बड़ा अटपटा था कि जो कहा नहीं जा सकता क्या उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। कहते हैं कि वो व्यक्ति सामने बैठा रहा और बुद्ध थोड़ी देर के लिए मौन हो गए और थोड़ी देर में वो व्यक्ति आया था बड़ी चिंताओं के साथ। उसके चेहरे पर बड़ी उद्विग्नता थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर अपूर्व शांति आ गई, करुणा आ गई, उसको कुछ अनुभूति हुई और वो अपने घर पर लौट गया। ठीक ऐसा ही प्रसंग है अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में। अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि एक घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है, मैं उतने समय में तुझे साक्षात्कार करा सकता। अष्टावक्र के 4 वाक्य और जनक चौंक गए। उन्हें पहली बार यह प्रतीति हुई कि मैं ये देह नहीं। वो हैरान हुए कि इतने दिनों तक मैंने ये जो संसार सजाया था, ये जो सपने सजाए थे, आपने एक क्षण भर में समाप्त कर दिए। क्षण भर में मैं देखता हूं कि मैं तो ये देह ही नहीं हूं, देह से परे कुछ हूं। ऐसी ही घटना है ये औरंगाबाद का दृष्टांत और ये अब्बासी बंदर का प्रसंग।
लेकिन हम इन प्रसंगों को सुनते हैं, हमारे मन में भी यही बात उठती है, हमारे मन में भी यही जिज्ञासा जागती है कि काश हमारे घर में भी कोई सृजी जैसा अलौकिक व्यक्तित्व आए, हमारे द्वार को खटखटाए और 3 ही दिन में हमें परमात्मा मिल जाए। हम इस संसार में हर चीज का शॉर्टकट चाहते हैं, हमें लगता है कि बिना मेहनत हमारे हाथ में सब कुछ आ जाए। सांसारिक भाषा में मैं कहूं तो हम हर चीज का जुगाड़ ढूंढते हैं, हमें हर चीज का एक शॉर्टकट चाहिए। संसार में कुछ भी हो, संसार का धन हो, संपत्ति हो, कोई भी काम हो, हमें लगता है कि किसी ना किसी एक छोटे रास्ते से काम हो जाए। हम सोचते हैं कि परमात्मा भी किसी शॉर्टकट से मिल जाए, कोई जुगाड़ लग जाए कि कोई आ जाए सृजी जैसा हमारे घर पर, कोई आ जाए राम रतन महाराज जी जैसा हमारे घर पर, एक सिर पर हमारे हाथ रखे और एक पर्दे पर हमें पूरा परमधाम दिखा दे। लेकिन जानते हैं, यदि कोई ऐसा मिल भी गया, यदि किसी ने हमें अक्षरातीत को दिखा भी दिया, तो फिर उस परमात्मा की हमारे लिए 2 कौड़ी भर भी कीमत नहीं रही। एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक सज्जन अपने 2 मित्रों के साथ जा रहे थे रास्ते पर। बारिश का महीना था, गाड़ी चारों तरफ पानी था, कीचड़ भरा था। एक बैलगाड़ी आती है, कीचड़ उछलता है और उन सज्जन के जूतों पर पड़ता है, जूते गंदे हो जाते हैं। उन सज्जन ने पहनी थी अपने गले में एक रेशमी दुशाला जो बहुत महंगी प्रतीत होती थी, कोई खानदानी लिबास। उन्होंने झट से अपने गले से वो रेशमी दुशाला उतारी और अपने जूतों को साफ करने लगे। उनके साथ में उनके 2 मित्र थे। एक मित्र दूसरे से पूछता है कि ये फटे पुराने जूते जिनकी कीमत 100-200 रुपए भी नहीं थी और गले में इतनी महंगी दुशाला, ये मूर्ख व्यक्ति कैसा इनका व्यवहार है कि भला कोई फटे पुराने जूतों को इतनी महंगी शाल से कोई साफ करता है। उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि ये जो जूते थे ये इन्होंने अपनी कमाई से खरीदे थे और ये जो इन्होंने महंगी दुशाला पहनी है ये इन्हें अपने माता पिता से प्राप्त हुई थी। जो हम कमाते हैं अपने जीवन में, जिस पे परिश्रम करते हैं, हमें उसकी कीमत पता होती है, लेकिन जो हमें बाहर से मिल जाता है हम उसकी कीमत को 2 कौड़ी भी नहीं समझते। आपने देखा है कि रेवचंद्र जी जब चर्चा किया करते थे, कितने ही सुंदर साथ कांगजी भाई के घर में इकट्ठे होते थे। उन्होंने देवचंद्र जी के अंदर युगल स्वरूप को देखा, साक्षात श्री कृष्ण जी वहां पर आते थे, उन्हें भोग लगाया जाता था, खूब मिठाई बांटी जाती थी, खूब प्रसाद बांटा जाता था, अनेक चमत्कारी लीलाएं हुई, अनेक आड़ी की लीलाएं। बिना किसी परिश्रम के उन 313 सुंदर साथ के हाली में ब्रह्म रूपी भोजन परोस दिया गया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? वही जयराम भाई कंसारा जो अक्षरातीत को देखते हैं देवचंद्र जी के अंदर, लेकिन देवचंद्र जी के तन के ओझल हो जाने के बाद दीप मंदिर में जाकर के कांसा कूदने लगते हैं। यदि हमें भी इसी प्रकार किसी ने अक्षरातीत दिखा दिए तो हमारे लिए अक्षरातीत की कीमत भी बस इतनी होगी कि हम एक दिन देख तो लेंगे लेकिन अगले दिन फिर से लौट जाएंगे, फिर से उसी कांसे को कूटने लगेंगे। आज भी ब्रह्मवाणी हमें मिली, हमारा ब्रह्मवाणी के प्रति कितना सम्मान है। मैंने सुंदर सात के घरों में देखा है कि मंदिरों में पड़ी हुई है ब्रह्मवाणी और उस पर धूल की परतें जम रही हैं। जब उसे लाया जाता है आप उस रुमाल को झाड़ सकते हो, उससे धूल गिरेगी। हजरत अली ने कहा था कि जिस समाज की, जिस संप्रदाय की किताबों पर धूल जमने लगे, ये मत समझना कि उनकी किताबों पर धूल जम रही है, बल्कि ये जानना उन लोगों के दिलों पर धूल जमने लगे। ब्रह्मवाणी की चर्चा होती है, कितने ही लोग हैं जो उसको सुनते हैं। बैठने वाले तो बहुत हैं, भीड़ तो बहुत मिलती है। मैं देखता हूं कई बार चंद भर लोग होते हैं जो वाणी की एक एक बात को सुनते हैं,
लालदा जी भी बीतक में लिखते हैं कि जब श्रीजी चर्चा किया करते थे तो हजारों का सैलाब उनके सामने बैठता था, 5,000 सुंदर साथ की जमात बैठती थी। लालदा जी कहते हैं कि कोई रस सागर रेलत, ऐसा लगता है कि श्रीजी बोल रहे हैं तो कोई रस का सागर ही मानो पन्ना की धरती पर उमड़ आया, उसे कोई रस का सागर दौड़ रहा है वहां पर। लेकिन लालदा जी कहते हैं कि कोई ना धरत कान, लेकिन कोई अपने कान नहीं धरता, सब व्यस्त हैं अपने अंदर, सब आजू बाजू झांक रहे हैं, कोई बाहर देख रहा है, कोई अपने मन के संस्कारों में खोया हुआ है। अक्सर ऐसा होता है, हजारों की भीड़ सुनती है, उसमें से 70-80% लोग आसपास देखते रहते हैं, कोई उबासी ले रहा है, कोई ऊंग रहा है, और जो वक्ता होता है, कभी कभी ऐसा हो पाया है इस संसार के अंदर, जानते हैं कि जब अर्जुन जैसा श्रोता मिलता है तो कोई योगेश्वर श्री कृष्ण गीता जैसा ऊंचा ज्ञान दे पाता है। अर्जुन के जैसा श्रोता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो अपना हृदय देता है, और जब श्रोता अपना हृदय देता है तो कोई वक्ता कोई ऊंची बात कह पाता है, वो छू पाता है अध्यात्म की उन ऊंची तरंगों को। जब कोई जनक के जैसा बैठता है सामने, तब कोई अष्टावक्र गीता का रहस्य सुना पाता है, वरना तो संसार के साधारण लोग वो ऊंघते रहते हैं, वो अपनी बगलें झांकते रहते हैं, जो कोई कुछ कहना चाह रहा है उसको ऊंचाई को छूने नहीं देते, उसे खींच लाते हैं बार बार नीचे। लालदा जी कहते हैं कि कोई रस सागर रेलत, कोई ना धनत कान, एक सैया की रूपी वही भड़त जाति मान। कोई कोई है उस सैलाब में जो सैया की रूह है, जो प्यासे हैं उस जान के, वो पीते हैं उसको, वो सुनते नहीं है। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है, एक होता है सुनना और एक होता है पीना। पीने का मतलब क्या है कि जब हमने कहने वाले को अपने श्रवण अंगों के साथ साथ अपना हृदय भी दे दिया। एक सैया की रूपी वही भड़त जात ईमान। बहुत कम लोग होते हैं जो आज भी वाणी के मर्म को समझते हैं, जिनकी आज भी वाणी के प्रति श्रद्धा है। और मैं कहता हूं कि यदि हमारे मन में ऐसी बात भी उठती है कि कोई मिले हमें चमत्कारी परमहंस जो सिर पर रखे हमारे हाथ और हमें परमहंस कोई हमें परमधाम दिखा दे, तो मैं उन सभी सुंदर साथ से कहूंगा कि उन सुंदर साथ को बड़ी गहरी आवश्यकता है कलश की वाणी के पहले 5-7 प्रकरण पढ़ने की, जिसमें इंद्रावती जी ने बिरहा किया है। ओही ओही करती फिरू करूं हाय हाय री, मेरी सैयल रे सह आए थे मेरे घर, जो मीन बिछुड़े जल थे या गति जाने सोई मेरे दुल्हा। जिसे परमात्मा को पाने की तड़प होती है वो तो तड़पता है, उसकी तड़प कैसी होती है, जो मीन बिछुड़े जल से, ये जिस प्रकार एक मछली जब जल से जुदा होती है, जो उसकी तड़प है, जिसके हृदय में पिपासा होती है, उसके भीतर ये तड़प पैदा होती है, वो फिर कोई जुगाड़ नहीं ढूंढता, उसके मन में ये बातें नहीं उठती कि कहीं से कोई परमहंस मिल जाए जो सिर पर हाथ रखे और परमधाम दिखाई। वो अपने भीतर एक समंदर पैदा करता है। सूफी फकीरों में एक बात कही जाती है कि हम परमात्मा को नहीं खोजते, परमात्मा हमें खोजता है। किरंतन में भी एक चौपाई आती है, हके लिखिया कुरान में पहले मेरा प्यार पीछे तुम दोस्ती करो, कि पहले मेरा प्यार। अध्यात्म के जगत में संसार से उल्टा है, संसार के इस संसार में यदि प्यास लगे तो प्यासे को कुएं पर जाना पड़ता है, लेकिन अध्यात्म के इस जगत में जिसने अपने हृदय में प्यास पैदा की है, कुआं खुद आया है प्यासे के पास। आपने देखा है कि श्रीजी हर द्वार पर जाते हैं, हर द्वार पर खटखटाते हैं, पूरी बीतक
इन उदाहरणों से भरी पड़ी है कि कुआं गया है हर प्यासे के पास, तो हम ऐसे प्रश्न न उठाएं कि हमारे घर में कोई आए जो एक चुटकी भर में हमें अक्षरातीत को दिखा दे। हम अपने भीतर प्यास को पैदा करें। यदि हृदय में प्यास होगी तो वो कुआं अपने आप हमारे पास खींचा चला आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों प्रश्नों में, इन दोनों जिज्ञासाओं को मैंने अपने ज्ञान के अनुसार स्पष्ट करने का प्रयास किया। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी के हृदय में विराजमान अक्षरातीत पारब्रह्म को मेरा प्रणाम।